सच्चे प्यार को जिस्म की चाहत नहीं होती, उसे रूह से प्यार होता है। सच्चे प्यार की जुबान नहीं होती, वो आंखों से बयां होती है। जिसको जिस्म की भूख होगी वो कभी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। सच्चा प्यार क्या है? जब तुम्हारी तकलीफ से उसे दर्द हो वो प्यार है। सच्चे प्यार में दर्द एक को हो तो तकलीफ दोनों को होती है। दिन के मुकाबले रात में हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर लड़की कई लोगों के बीच सिर्फ आपको ही रिस्पॉन्स दे, अगर आपके कहने पर आपके लिए ड्रिंक लाए तो बेशक वो आपको चाहती है। अगर लड़की बार बार आपसे रूठे या झगड़ा करे मगर आपको अकेला ना छोड़े तो वो आपसे प्यार करती है। आपके ऐसे जॉक्स पर जिसे आपको भी हंसी ना आए मगर वो ठाके लगाकर हंसती है तो वो आपसे इम्प्रेस है। साइकोलॉजी कहता है दुनिया के सभी सभ्यताओं में पुरुष अपने से कम उम्र की औरत को और औरतें अपने से अधिक उम्र के पुरुष को ज्यादा पसंद करती है। रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारी खुशी का कारण होता है या दुख का। अगर आपने पिछली रात शराब पी थी और अब आपको कुछ याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल गए, बल्कि जरा शराब पीने के बाद आदमी को कुछ नया याद ही नहीं होता। एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 विचार आते हैं और इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सीधे या शांत या चुपचाप ना बैठ पा रहा हो, अपने आसपास की चीज़ों से खेल रहा हो, जैसे चाबियों से, सिक्कों से, अंगूठी से, इन हरकतों से ये पता चलता है कि वह व्यक्ति बोर हो रहा है और बात करने में बैठने में उसका मन नहीं लग रहा है। पुरुषों के सपनों में 70% चेहरे पुरुषों के होते हैं, वही महिलाओं के सपनों में महिला और पुरुष दोनों लगभग सामान्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि किसी को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ना बनाए, क्योंकि जब वो बदलेंगे तो आप उनसे घृणा नहीं कर पाएंगे बल्कि आप खुद से घृणा करने लगेंगे। साइकोलॉजी कहता है कि जब दो इंसान बहुत समय से साथ रहने लगते हैं, इस दौरान उन इंसानों के दिमागी रिलेशनशिप मजबूत हो जाते हैं और कभी कभी वो एक ही समय में समान शब्द का उच्चारण कर देते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर किसी शख्स को भूलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए तो यकीन मानो वो इंसान आपको एक बार अवश्य मिलेगा। साइकोलॉजी कहता है कि जब किसी इंसान से हमारी लड़ाई होती है तब हमारा गुस्सा बहुत तेज हो जाता है, चाहे गलती अपनी ही क्यों ना हो। साइकोलॉजी कहता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत देखी हो और वो अभी जीवित हो। साइकोलॉजी कहता है कि किसी इंसान की ज़्यादा केयर करना उस इंसान से दिल और दिमाग में फीलिंग कनेक्शन मजबूत कर देता है। साइकोलॉजी कहता है कि हमारे रिश्ते उस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब किसी इंसान की गलतियों को माफ़ करने लगते हैं और उसकी इज्जत करने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि सच्चा प्यार वहाँ होता है जहाँ आपसे सवाल करने से ज़्यादा आपका ख्याल किया जाए। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस करना नहीं बल्कि उससे कई ज़्यादा एक दूसरे की केयर करना भी है।